and a very large business and a beautiful business. So I think awards such as the National Jewelry Awards is really beautiful and really wonderful. Good evening, Malika. Good evening, how are you? Thank you. You're presenting an award. Well, I'm really happy to be over here. I in fact endorse a very beautiful brand called Khanna Jewelers, and I'm really happy that I will be awarding them tonight. So I'm really looking forward to that, and मज़ा आता है जब भी अवार्ड के अवार्ड फंक्शंस में जाए. आई थिंक अगर आपको अवार्ड मिले या अवार्ड देना, आई थिंक इट्स ऑलवेज फन. अभी भी आप अवार्ड लेके आ रही हैं? जी हाँ आज बड़ा अच्छा दिन है. आप जहाँ जाती हैं वो दिन ही अच्छा होता है. वेल दैट्स वेरी स्वीट, बट थैंक यू वेरी मच. बट आई हैव टू से कि जैसे मैंने कहा कि अवार्ड मिलना भी अच्छा है, एंड आई थिंक टुडे हैज़ बीन अ रियली वंडरफुल डे. एंड पता है आप जहाँ पे भी जाते हैं, जिस चीज़ में शामिल हो, बड़ा इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं आप. अभी वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि आप चाहे किसी फिल्म में कुछ थोड़ा सा भी अपीयरेंस वगैरह हो, यू मेक एन वेरी इम्पैक्टफुल, एंड कई बार तो फिल्में आपके नाम से जानी जाती हैं. अगर आप इम्पैक्ट ना हो तो क्या फ़ायदा. यू हैव टू लीव योर स्टैम्प एंड योर मार्क वेयर एवर यू गो, राइट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. One styling tip, I would say great jewelry is the best styling tip. And one of your personal favorite jewelry pieces? All Khanna jewelry pieces. Thank you. ओके मलाइका, जिस तरीके से ज्वेलरी की जो बात चल रही है, हर किसी के पास में एक ऐसी ज्वेलरी होती है जिससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है. कोई ऐसी कोई आपके सामने कुछ ऐसा है जिस चीज़ के सामने आप बहुत ज़्यादा? आई थिंक सबको, आई थिंक जो एक पुराने जो पीसेज होते हैं जो अपने मम्मी देती है, मतलब सालों से, या जो दैट एलूम्स जैसे कहते हैं, आई थिंक दोज आर द मोस्ट प्राइसलेस पीसेज जो मुझे दिया गया है ओवर द ईयर्स. आई थिंक फॉर मी दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. Suggestions for the people for the Valentine's Day, would like to say something for the viewers? For the viewers, kya love ki mehatvata abhi bhi hai? Like, do you think pyar abhi bhi relevant hai? Obviously, प्यार हमेशा relevant रहेगा. Why does it ever have to be anything else? I think love is the most beautiful emotion, the most essential emotion. I think love makes the world go round. अगर मुझे पूछा जाए, I think whether it is love between people, love between nations, love for your work, love for anything that you do, I think love is the most important. So here's wishing everybody a very happy Valentine's Day and spread more love. Thank you so much. Reena. Thank you guys. One minute, just a minute. Kaisa raha aaj aapko? Satisfied with the collection which you have made? Yes, of course. The collection that I've made is red and bridal to go with the jewelry that they wanted to showcase. And I think even the jewelry that they put together is quite outstanding and nice. So and it's been such a pleasure to have my dear friend Ishita walk for me. This is the first time she's walking for me. And it's really nice. आपके लिए कौन नहीं वॉक करने देगा? सबको तो ले आते हो. कौन ऐसा बच्चा है दुबई तक ले जाते हो लोगों को आप across the world? तो ये पहली दफा चली है ना मेरे लिए, और ये मेरी फ्रेंड है ना, तो बहुत खुशी हुई. आई नो इशिता, कांग्रेचुलेशंस फॉर द शो, एंड थैंक यू, मच अप्रिशिएट योर पॉइज, ग्रेस, एंड द वे यू हैंडल द सिचुएशंस. ओके, आई एम ग्लैड. मिसहैप्स डू हैपन, बट यू हैव टू, यू नो, नॉट पुल योरसेल्फ डाउन. यू जस्ट हैव टू स्टैंड स्ट्रांग, गेट अप एंड गेट गोइंग. And we all human beings. So as she rightly said, mishaps happen, but the way you handle it makes you look different from the others, you know. She didn't get bogged down, there was no difference in her expression, so I think amazing. बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की है, हमने पहले भी इनसे बोला भाई चुप रहो ना, मतलब बहुत ही स्ट्रेंथ चाहिए होती है, मेंटल स्ट्रेंथ, एंड यू नीड नर्व्स ऑफ स्टील टू डू दिस. और जरा सी भी शिकन नहीं आई. हाँ, सबसे बड़ी बात है वो कि जरा सी भी शिकन नहीं आई. वही खूबसूरती की बात है, और वही इट शोज कैरेक्टर. एंड वो तो अपने आप को समझ से अपनी ड्रेस को भी संभाला, ये बहुत अपने आप में हमारे प्रेज और बढ़ जाते हैं आपके. थैंक यू सो मच. यू नो, इट फील्स वेरी ग्लैड व्हेन द ऑडियंस एंड व्हेन एवरीबडी लाइक अराउंड यू, दे डोंट मेक फन ऑफ लाइक अ वार्डरोब मैलफंक्शन, और दे डोंट क्रिटिसाइज इट. रादर व्हेन एवरीबडी अप्लॉडेड,
it feels like, you know, everybody's a mature audience. Yeah, and they empathize and they support you. So it yes. feels good to be around people who, you know, who understand it. So all so. Credit to you and all praises for you. Thank you. फिर भी अपने इन कपड़ों में आप अपने आप को कैसा? I think so. This all outfit with the jewelry is heavier than me. If you see, but it's a beautiful collection by Archana. Mm-hmm. And when she called me for the bridal, I was so excited. I actually wanted to walk the ramp, you know, sometime for her. So when I got a call, I was very excited. And I've never done bridal. So this is a peacock like inspired outfit. So she's done it beautifully, and it's the, you know, it's a blood red. Ethnic traditional Indian bridal outfits. I was very excited for it. मतलब ये कलर सबको मतलब कभी out of fashion नहीं हो सकता ना ये वाला. नहीं हमारी इंडियन शादियों में तो नहीं हो सकता. We I think this is one of our favorite bridal colors, red and all shades of red. इशा तो को डांस वांस भी पसंद है तो कभी ये भी उसमें हो सकता कभी है ना आपने बीच में खूब डांस वांस की वीडियोस वगैरह भी डाले थे कभी. हाँ मुझे डांसिंग का तो बहुत ही शौक है तो अभी ऐसे फैशन शो में तो मैं क्या अभी हो गया एक डांस एक डांस तो हो गया बाकी डांसिंग वीडियोस आई कीप अपलोडिंग एंड आई होप आई कैन डू मोर वर्क वेयर आई कैन डांस मोर एंड आई कैन गेट नाइस सॉन्ग्स एंड वीडियोस एंड मूवीज वेयर आई कैन शोकेस माय डांसिंग बिकॉज आई थिंक सो अभी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ खुल के मैं नाच सकूँ सो या लेट्स सी लेट्स होप फॉर द बेस्ट हाँ जी क्या होता है आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन आपके माइंड में क्या चलता है रैंप वॉक के पहले माइंड में जस्ट रॉक द शो यार जस्ट एंजॉय फील ब्यूटीफुल इन व्हाट यू वेयरिंग देयर इज अ टीम दैट हैज बीन बिहाइंड दिस लुक सो या आई थिंक सो आई वाज टोटली एट इट एंड आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट प्यार में विश्वास है आपको पूरी तरह से आई एम अ डाई हार्ड रोमांटिक आज तक कोई किसी ने सबसे मतलब प्रॉब्लम भी अब आपने रोमांटिक बोला किसी ने सबसे रोमांटिक चीज क्या किया ओह गॉड किसी ने सबसे ज्यादा रोमांटिक बहुत खूब लग रही है एकदम बहुत प्यारी लग रही है थैंक यू सो मच पूरा सारा कैमरा उन्हीं पे जूम कर दो भाई ऑडियो यही कितनी रोमांटिक बात अभी आपने कह दी मतलब रोमांटिक नहीं लेकिन स्वीट बात थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट बट हाँ सबसे रोमांटिक सो देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन लाइक अ डियर फ्रेंड ही फ्लू आई वाज वन ऑफ द डेज आई वाज फीलिंग लो सो ही फ्लू अक्रॉस सिटी जस्ट फॉर फ्यू आवर्स जस्ट टू चीयर मी अप सो आई थिंक दैट वाज वेरी स्वीट प्यार की डेफिनेशन क्या होती है? आई थिंक सो प्यार नॉट जस्ट अ गर्ल एंड अ बॉय बट लव इन फ्रेंडशिप लव इन यू नो एनी रिलेशन चाहे बहन भाई का हो चाहे इट्स पेरेंट्स एंड किड्स आई थिंक सो प्यार बहुत ज़रूरी है इट्स द एसेंस इन लाइफ सो एवरीथिंग यू आर हैविंग सक्सेस बट इफ यू डोंट हैव लव एंड इफ यू डोंट हैव लव वन टू शेयर इट विद आई थिंक सो इट्स मीनिंगलेस सो आई थिंक सो लव इज it completes you and it's very important to have people around you who love you abhi tak se koi iska naam sahi nahi bol paya film ka sonu ki titu ki sweetie haan ji uske baad kya aa rahe ho I've just shot a film it's tentative title as Yaram but we've shot the film in Mauritius and I've shot it with Pratik Babbar and Siddhant Kapoor we're expecting a release this year somewhere in May so let's see ab pata nahi abhi bhi log mante hain archana to kai cheeze aise matlab seasons dekhe ye log bol rahe the valentines ki wishes ke liye man hai to de dijiye so valentine is round the corner guys it's about to be 14 feb in few days so whoever you love or whoever loves you I think so just treat them celebrate this day and not just valentine's day I think so you should celebrate love in your life every day it's a celebration so yeah you should make the most of it thank you so very thank you. Just hold on hame bhi yahan pictures on hanji le pehle dono sir उमर पे था ना हां शो शुरू होने से पहले आई वाज लाइक टोटली थिंकिंग कि भाई घूमर कर ही दूं लेकिन सोचने से पहले कर लो या कर लो एक एक घूमर करो दिस इज वेरी फनी
Imagine करो कर लो नहीं म्यूजिक क्या मोबाइल पे ठीक है ठीक है हो गया.